बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपको डिस्कस करूँगी लैंग्वेज ट्री के बारे में। कुछ बातें बताऊँगी मैं, लैंग्वेज ट्री क्या होता है बेसिकली ये बताऊँगी मैं आज से आपको, और थोड़ी सी हम जनरल वोकेबलरी डिस्कस करूँगी मैं आपसे, जो आप आम रूटीन में वर्ड्स बोलते हैं सही है वो आपको बताऊँगी कि कैसे बोलते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, सही है। पहले आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब आते हैं हम लैंग्वेज ट्री के ऊपर। ये हमने बनाया हुआ है लैंग्वेज ट्री, उसके अंदर चार पॉइंट्स हैं हमारे पास जो लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए चार पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिसनिंग सबसे पहले, देन हमारे पास रीडिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पीकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग पावर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये चार ऐसी चीज़ें हैं, चार ऐसे पॉइंट हैं जिससे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, आपकी इम्प्रूव हो सकती है। या आप लैंग्वेज ट्री अपने पास कहीं भी लिख लें ये पॉइंट्स जो हैं इसके, ताकि आपको आसानी हो याद रखने में। अब आते हैं जनरल वोकेबलरी के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ है सोबर, संजीदा। संजीदा जो लोग हैं सोबर, संजीदा को बोलते हैं। देन हमारे पास हम बोलते हैं आम रूटीन में डरपोक बोलते हैं। डरपोक की इंग्लिश में मीनिंग, हम इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे टिमिड, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं इंग्लिश में डरपोक के लिए। फिर आगे चलते हैं हमारे पास खुश मिजाज, बद मिजाज, ये हम बोलते हैं ना अक्सर वर्ड आम रूटीन में। गुड टेम्पर्ड, खुश मिजाज, बैड टेम्पर, बद मिजाज। नीचे आते हैं, फिर हम बोलते हैं काम चोर, ये तो बहुत काम चोर ही है वो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्षाए। फिर नेक, ये बहुत नेक इंसान है, इसको बोलेंगे पायस, पियस या पायस जो भी बोलें आप।